ये क्या था रियान? मुझे पता। दिल टूटे आशिकां दी महफिल विच आके कदे तू आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। बहुत गर्म मौसम है आज। इस वक्त टेम्परेचर होगा 24 है, मतलब 25 हुआ ना। फील जो है वो फील हो रहा है 30। और हम जा रहे हैं स्वीट्स बाय आयशा की तरफ। स्वीट्स बाय आयशा के जो उनका मेन ऑफिस है उसकी तरफ जा रहे हैं। हमने कुछ उधर से माल लेना है, कलेक्ट करना है, माल कलेक्ट करना है। तो आइए जरा हमारे साथ चलें आप भी। हाँ जी, प्राइसेस बताना पसंद करेंगे? जी, मफिन्स जो है वो 25 के हैं और डेजर्ट ग्लास जो है वो 20 के हैं। तो ये आप तैयार करते हैं? नहीं, आशा करते जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। आपके लिए कुछ लेके आए हैं हम। ये ले, स्वीट्स बाय आयशा। थैंक यू। अभी हम लंच करने आए हैं फ्रोगनस थाना क्रू, और इनका खाना वैसे बहुत मज़ेदार होता है, लेकिन आज देखते हैं आज कैसा है। तो सारे बाद में रिव्यू करेंगे, और अगर हमने रिव्यू बुरा किया तो फिर हमें बाद में कितने रेस्टोरेंट से हमें बैन कर दिया जाएगा। कैसा लगा खाना आपको? अच्छा खाना था। अभी आप थोड़ी देर पहले तो कुछ और कह रही थी। मैं कुछ और ही बोल रही थी। मैंने फिले बर्गर मंगवाया था। कैसा था? ठीक था, ओके। गुजारे लायक था? गुजारे लायक था। तो मतलब ये है कि आप सारे रेस्टोरेंट से हमें निकलवाएंगे, बैन करवाएंगे आप? ईशा, आपको कैसा लग रहा है? मेरे वाला बहुत। अच्छा, तो आप मतलब दोबारा यहाँ आना चाहेंगी? आप भी आना चाहेंगी दोबारा? हाँ, मैं आऊँगी, लेकिन मैं कुछ और मंगवाऊंगी। हाँ भाई जवान है, बहुत मज़ेदार से, बहुत मज़ेदार से। तुम्हें तो आज हर चीज़ मज़े की लग रही है। जिंदाबाद, मज़ा आ गया। वो आया हमारा शेर जवान। हेलो ईशा, खाना खा लिया, उठ के चलें आप? अभी तो मीठा खाना ना। खाना खा के राज नहीं गई अब? अपने आखिरी ब्लॉग में ये कहा था उन्होंने कि मीठे के लिए अलग जगह होती है, मेडिकली प्रूवन है। हाँ, मुझे नहीं पता, मेरा मेडिकल कोई बैकग्राउंड नहीं है, उन्होंने कह दिया तो हम जरूर खाएंगे आप मीठे।
ले लें, ये सस्ती है। ठाकुर साहब से बोलती हूँ लेके दे। सिर्फ 10,000। उनसे एनिवर्सरी गिफ्ट लेती हूँ जी। देते हैं आपको यही। ओए आप बहुत अजीब लग रही हैं इधर। अब नहीं मैंने ये लेना। गर्मी ज़्यादा हो तो बंदा थक भी जल्दी जाता है, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ अकेला? मेरे ख्याल में आज मुझे पुराने घर वापस जाना पड़ेगा। शायद आपसे नए घर में मुलाकात हो इंशाल्लाह। जुम्मा, हफ्ता, इतवार, सोमवार और अब मंगल। आज मंगल का दिन है। ये दिन कहाँ चले गए कुछ पता नहीं चला। तो हम मूव हो रहे थे एक्चुअली पुराने घर से नए घर में, और एक तो ऊपर से इतनी गर्मी है आजकल कि मेरी मत बजी हुई है, फिर मूविंग और फिर जॉब भी, तो मतलब हॉल अटैक थी। एक्सक्यूज़ द शोर जो बैकग्राउंड में आपको गाड़ियों का आ रहा है, क्योंकि मेन रोड पास है, इस वजह से गाड़ियों का शोर काफ़ी है, लेकिन उसकी तो मैं अब आदत हो रही है। इतनी गर्मी में एक्चुअली कैमरा उठाने का भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। तो जो हमारे भाई हैं वसीम जाहिद भाई, सलमान आशमी और शहजाद जमील, उन्होंने आज सुबह सुबह मोटिवेट किया मैसेज भेज के कि किधर हैं ब्लॉग, किधर हैं, हमें चाहिए ब्लॉग। तो कैमरा उठा लिया हमने। क्या नहीं करता बंदा भाइयों की मोहब्बत के लिए। कह रहे हैं कि अभी गर्मी की लहर बहुत दिन चलेगी, तो इस गर्मी में हमारा क्या हशर होने वाला है, कितने हम रोस्ट होने वाले हैं, कोई आइडिया नहीं है। सूरज भाई, अगर आप ज़्यादा माइंड ना करें तो थोड़ा अपनी गर्मी को कम कर सकते हैं। अभी देखिए हमारे हथियार पड़े हुए हैं, मतलब कि अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई हैं। अभी हम फारिग नहीं हुए ना मुकम्मल हर काम से। और मेरे कमरे का भी असर देख सकते हैं आप, अभी तक ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ चीज़ें सेट की हैं जो मतलब ज़रूरी हैं, तो अब बाकी आस्ता आस्ता हो जाएंगे। अभी कुछ चीज़ें कम हैं, कुछ चीज़ें अभी चाहिए, और तो टाइम लगता है भाई, टाइम लगता है। ये एदन को यहाँ पे आके खाना पड़ेगा। जी ऐशा, ये गायब कैसे हुआ है पता नहीं। हाँ जी, आज आपकी शादी की सालगिरह जी। तो कितने 10 साल हो गए ना आपकी शादी को? 10 साल हो गए। कैसा लग रहा फिर? ऐसा लग रहा है जैसे अभी बस 2 साल ही गुजरे। मतलब 2 साल हो गए तो ऐसा लग रहा है जैसे 10 साल हो गए। बस जैसे मर्जी बोल लें, 10 और 2 और 2 और 10। अच्छा अच्छा, तो कितने हैं आपके मियाँ जी, आपके बेटर हाफ? मेरे जो बेटर हाफ है वो भाग गए। शुक्रिया। नहीं देखो देखो आ गए। ओए शेर जवान पहुंच चुके हैं मैदान में, और अब होगा मुकाबला सैंडविचेस खाने का। तो आज कौन सा हास दिन है जुल्फी भाई? आज आज कुछ हुआ था? कुछ हुआ था, कुछ हुआ तो था। आपने कुछ किया था, आपने कुछ मार कसर किया था, आपने कोई मैदान फतेह किया था? मैंने क्या करना है जी, खुद हो गया था। हाँ इसलिए वो ना होश उड़े हुए थे उस दिन, परेशान हाल ही। होश उड़ जाते हैं ना, अभी तक उड़े हुए हैं। अभी तक उड़े हुए हैं। काम तो नहीं है। होश के साथ बाल भी उड़ गए।
नहीं देखें ये इज्जत पे हमला कर दिया आपने। नहीं इज्जत पे तो कोई नहीं हमला होता है ना। Show me what it's like to be circling among the clouds. अभी हम प्रैंक करने लगे सबको जो टिकटॉक पे इस वक्त काफी फेमस चल रहा है, तो देखते हैं कौन कौन इसका शिकार बनता है। सेल्फी सेल्फी भाई को भी उठा के लाएंगे। ओ वो सो रहे बेचारे। सोना कोई नहीं उन्होंने। पानी आंदा पे बात है बात बाथे जो पानी बाहर आंदा पे तो सिर्फ अम्मी शिकार हुए इसका, बाकी उन्हें सोने लिया। डर गया था? नहीं मैं समझे पानी बंद के बाहर आ गया तो किए पर सारे खराब हो गए। हाँ मैं तो नहीं समझा, मैं समझाई और बस आप कितने पानी कितना आ गए। ये ईशा पानी लेके आई थी कहीं से। बहुत पानी बाहर आया था, इधर तक आया हुआ था। बड़ा खराब पानी है, बहुत खराब पानी है। लो जी तो सुन ली मेरी गल, नीचे सांप तो बहुत आ रही है। हेलो हाय अल्लाह मैं भी इतना हो गया। एक और ब्रेक। देखो पानी बाहर आ रहा है, पानी बाहर आ रहा है ना, भी पानी बाहर आ रहा है। फुल भर के तो पानी बाहर आ रहा है, पानी बाहर। मुझे डरा दिया आप लोगों ने। तो बाहर हम नहीं जा रहे। हमने झूठ नहीं बोला, पानी बाहर आ रहा था। अच्छा पानी बाहर आ रहा बाथरूम से। The couple is ready for dinner night. Excited हैं या ऐसे? आप तो अभी भी serious हैं? नहीं मैं serious तो नहीं हूँ, मैं तो बस आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा हूँ। इतना खतरनाक वक्त नहीं है, इतनी फाली नहीं हुई। Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. Le lo selfie, le lo selfie, le lo selfie. Fir hum gana gaayenge. Selfie maine le li aaj, selfie maine le li aaj, selfie maine le li aaj. Dilon pe karti hu raaj. Selfie maine le li aaj. Isha kitni der mein banega cake? पहले मैं डिसाइड करना कि बनाना कौन सा। देखो उनके आने से पहले बन जाना चाहिए केक, उनको सरप्राइज देना है हमने। ठीक है 6 हो गए हैं। हम बाहर जाने लगे थे तो हो गई है बारिश का। बारिश अंदर चले जाएं। ओके हाँ जी, तो अभी हम जा रहे हैं एक्चुअली दुकान पे केक बनाने के लिए, चीज़ें खरीदने। और केक बनेगा आज जिनकी शादी की एनिवर्सरी है उनके लिए। उनको नहीं पता, वो डिनर पे गए हुए हैं, डेट मारने गए हुए हैं, तो उनके पीछे हम करेंगे केक तैयार। और हमारी जो केक तैयार करने वाली एक्सपर्ट हैं वो हैं टन टन। तो पहले हम एक बार निकले थे बाहर, तो बार स्टार्ट होगी, हम अंदर भाग गए। अब भी हो सकती है स्टार्ट वैसे, लेकिन फिलहाल हाँ गरज चमक भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी। चमक तो नहीं हमने देखी वैसे, गरज हो रही थी। हाँ जी अब बकर साहब इधर तो शरीफ लाए ना व्लॉग में, आपको लोग बहुत मिस करते हैं। आप तो कहते हैं कि मैं आपको व्लॉग में नहीं लेके आता। तो मैंने कब आपको मना किया व्लॉग में आने से? आप 10 मिनट पोस्ट आगे चल रहे हो तो मैं क्या करूँ। हैं बोलो ज़रा आप क्या बोलना। ये मैंने बताना क्या बोलना है, फिर कहते हो व्लॉग में नहीं लाता, बोलना तो आपने। अच्छा मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अबू बकर वैसे उर्दू बोलते हैं, हाँ लेकिन जब व्लॉग आता है पंजाबी शुरू कर लेते हैं। हाँ जी बस पंजाबी जो है ना, फिर इसीलिए मैंने कहा था ये शर्मीला है, पंजाबी बहुत अच्छी जबान है। तो हमने कहा वो कब का बुरी जबान है, तो उर्दू में जैसे बोलना चाहिए लगता है कि कन पेंडू बोलता है। तो पेंडू होना तो बोलो।
चलो कंध उठाएं जहाँ से बैठे वहाँ सफाई करके उठना चाहिए। शाबाश। देखो काम करने के लिए बंदे रखे हों तो फिर कुत्ता आ गया। नहीं डरते इसे, कुत्ता क्या कहता, चलो मेरे साथ। कहते कुत्ते से नहीं डरते, चलो मेरे साथ। किस गुजारी आई रात में अम्मा जी, आपको नए घर में आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपका दिल लग गया इधर? बस थोड़ा थोड़ा लग गया। हाँ, अम्मी का भी दिल नहीं लग रहा है ना? मुझे अपना व्यस्त जी याद आता है। बाद में आपको कहोगे हमें अपना स्त्रम नहीं याद आता, हमें अपना शक नहीं याद आता। Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. तो ये था आज का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत खुश रहें, दुआ में याद रखें। और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। ईशा, 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 मैं सोच रहा हूँ मैं ना अपने बाल कटवा दूँ।